ब्रॉट टू यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। लखनऊ कोर्ट के अंदर हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 7 जून को दोपहर लगभग 3:30 बजे लखनऊ के SC/ST कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के आरोपी शूटर विजय यादव को पहले तो वकीलों ने पकड़कर पीटा और फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान खबर ये भी आई कि जिस वक्त कोर्ट में गोलियां चल रही थी उस वक्त वकीलों के साथ जज साहब भी टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी विजय यादव को पुलिस ने इसके बाद लखनऊ जेल भेज दिया और अब बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हुए कि आखिर कैसे कोर्ट के अंदर वकील, पुलिस और जज साहब के सामने हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या शूटर विजय यादव के साथ कोई और भी उस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद था जो आरोपी की मदद कर रहा था? वहीं आरोपी की मदद करने वाले लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। और अब इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, वो भी खुद शूटर विजय यादव से ही। शूटर विजय यादव गुरुवार से यानी आज से ही 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। 3 दिन के रिमांड के दौरान विजय यादव का नेपाल, मुंबई, बहराइच कनेक्शन के साथ साथ अब मुंगेर का भी कनेक्शन खंगाला जाएगा। दावा किया जा रहा है कि शूटर विजय यादव को मुंगेर में ही अल्फा मैग्नम रिवॉल्वर दी गई थी जिससे जीवा की हत्या की गई। वहीं लखनऊ जेल में बंद आतिफ के बारे में भी लखनऊ पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी, क्योंकि लखनऊ जेल में एक नहीं बल्कि 4-4 आतिफ बंद हैं। वहीं सवाल ये भी है कि संजीव जीवा माहेश्वरी को मारने के लिए विजय यादव लखनऊ कोर्ट किसकी मदद से पहुंचा था, किसने की थी संजीव जीवा तक पहुंचने में उसकी मदद। पिछले दिनों खबर ये भी आई कि जीवा को मारने के लिए विजय यादव को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन क्या इस डील में कुछ और भी शामिल था? शूटर विजय यादव से पूछताछ के जरिए पुलिस इस हत्याकांड के तह तक जाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर शनिवार शाम के 5 बजे तक शूटर विजय यादव पुलिस कस्टडी रिमांड में है। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।